अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ग्राफिक्स वाले सरकार। और मैं हूं आपका दोस्त मलिक मोहम्मद सुल्तान। दोस्तों आज मैं आपको इस फोटो की सेटिंग्स करके दिखाऊंगा। ये मेरा दोस्त है, इसने कहा है कि मुझे फोटो डिजाइन कर दो, इसके कलर चेंज करना है ड्रेस का। तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ड्रेस कलर कैसे चेंज करना है, बहुत ही आसान तरीका है। दोस्तों मेरी वीडियो शुरू से एंड तक देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। यहाँ पर मैं एक बॉक्स लगाकर यहाँ पर मैंने कलर कर दिया। इस कलर को मैंने यहाँ पिक टूल से उठाकर यहाँ अपने फोटो पर रख दिया। यहाँ पर इसको मैंने फुल बड़ा कर दिया अपने फोटो के मुताबिक। ठीक हो गया दोस्तों। इसके बाद हमने यहाँ पिक टूल पे अप्लाई कर देना है और यहाँ पर आ जाना है अपने मल्टीप्लाई पे। मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, देखें दोस्तों ड्रेस का कलर चेंज होना शुरू होगा। यहाँ पर रेड कलर है तो यहाँ पर हम कोई भी कलर दे सकते हैं। डिटेल से आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही आसान तरीका है मेरे ख्याल में। अगर आप एडिटिंग करना चाहते हैं तो ये तरीका बहुत परफेक्ट है आपके लिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, ये जो एरिया है आपने डिलीट कर देना है। ठीक हो गया दोस्तों। वो कैसे करना है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सिलेक्शन टूल पर जाना है, पॉलीगॉन लैसो टूल उठाना है और यहाँ से क्लिक क्लिक शुरू कर देना है। जहाँ से आपके ड्रेस शुरू हो रहा है वहाँ से दोस्तों मैं भी आपको डिटेल से दिखाने वाला हूँ। ये देखें दोस्तों, मैंने सिलेक्शन शुरू कर दी और इसी तरह आपने पूरे ड्रेस को सिलेक्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखें यहाँ पर मैंने अपने दोस्त की जो पिक है इसको सिलेक्शन मुकम्मल कर ली है। फिर यहाँ पर मैंने राइट क्लिक करना है, यहीं रखते हुए राइट क्लिक किया और यहाँ पर सिलेक्ट इनवर्स कर दिया। सिलेक्ट इनवर्स करने बाद दोस्तों आपने क्या करना है, सिंपली आपने डिलीट का बटन दबाना है आपके जो न्यूमेरिक कीबोर्ड पर। ये देखें दोस्तों, आपके ड्रेस का कलर चेंज हो गया है। यहाँ पर आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई पे जाता हूँ, यहाँ पर मैंने सिलेक्शन रेक्टेंगुलर यहाँ पर क्लिक कर दिया, सिलेक्शन ख़त्म कर दी। और यहाँ पर देखें दोस्तों, अगर छोटी छोटी जगह आपकी रह गई है, यहाँ पर मेरा हाथ भी रह गया, वो भी आपको बताऊँगा। यहाँ पर भी हमने लेसो टूल इस्तेमाल करना है, इस तरह ऐसे सिलेक्शन कर लेनी है इसकी मुकम्मल। और सिलेक्शन करने के बाद दोस्तों आपने वही काम करना है, डिलीट सिंपली प्रेस करना है और आपका ये जो एरिया है डिसलेक्ट हो जाएगा कलरिंग वाली साइड से। दोस्तों ये देखें, ये मैंने इसको बैक कर दिया और डिलीट कर दिया। ये देखें दोस्तों, सेटिंग हो गई। इसके बाद यहाँ पर हम जो भी कलर करना चाहते हैं अपने ड्रेस का कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट किया, यहाँ पर कलर टूल में गए और पेंट बकेट ओके किया। ये देखें दोस्तों, ये कोई भी कलर हम अपने ड्रेस पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद मैं सिलेक्शन करूंगा अपने हाथों की, उसी तरह सिलेक्शन करूँ जिस तरह मैंने अपने कपड़ों की सिलेक्शन की है। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, मैंने अपने हाथों की सिलेक्शन की थी और सिलेक्शन करने के बाद मैंने उसी तरह डिलीट कर दिया है उस कलर को। यहाँ देखें, ये ऊपर वाला कलर है, ये नीचे वाला कलर है। इसके बाद दोस्तों आपने करना यह है, अगर आपके पास फुल HD फोटो है, देखें ये मेरे पास फुल HD फोटो है, यहाँ इस पर हम किसी किस्म की भी एडिटिंग कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर मैं इसका कलर अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो फिर हम कलर बकेट टूल में जाएंगे, पेंट टूल में, और यहाँ पर ये वाला कलर सेलेक्ट करेंगे और क्लिक कर देंगे सिंपली। यहाँ पर ये देखें, इसका कलर चेंज हो गया है। यहाँ पर हम इसकी एडजस्टमेंट भी करेंगे, कैपेसिटी जो है इसकी हम थोड़ी सी डाउन कर देंगे। तो ये देखें दोस्तों, कलर चेंज हो गया। इसके बाद दोस्तों हमने करना ये है कि अगर आपके पास मोबाइल में पिक्सआर्ट ऐप है तो उस पर चले जाना है, क्योंकि मैं आपको वही रेकमेंड करूंगा फोटो एडिटिंग के बारे में। तो दोस्तों चलते हैं अपनी पिक्सआर्ट की ऐप की तरफ। यहाँ पर मैंने इसको सेव कर लेना है मुकम्मल। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव एज करेंगे। यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पे रख दिया फोटो को। ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने इसको यही नाम दिया जो पहले इस नाम से सेव थी फोटो। यहाँ पर मैं नाम चेंज भी कर सकता हूँ, यहाँ पर ASIFKHAN लिखता हूँ। यहाँ ठीक हो गया। यहाँ पर हम जाएंगे अपने JPG की तरफ और सेव कर देंगे इसको। हाई क्वालिटी में सेव करना है, यहाँ पर आपने लार्ज कर देना है। ठीक है दोस्तों, ओके कर देना है। और इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ अपने पिक्सआर्ट। तो दोस्तों देखें, यहाँ पर मैं अपने फोटो को ले आया हूँ अपने पिक्सआर्ट की ऐप में। और यहाँ पर आपने
एडिटिंग शुरू कर देनी है। दोस्तों मैंने अपने जो फोटोशॉप है उस पर एडिटिंग नहीं की, क्योंकि उस पर इतनी अच्छी एडिटिंग नहीं होती मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर हम सिलेक्शन करेंगे, अपने ब्यूटीफाई करेंगे। ब्यूटीफाई करने के बाद यहाँ पर हम ऑटो पर जाएंगे। ऑटो पर जाने के बाद ये आपके जो फेस के रियल कलर्स हैं वो शो कर देगा। दोस्तों ये देखें यहाँ पर आ गया, ओके कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम करेंगे अपने हेयर कलर्स। हेयर कलर्स के लिए हम जाएंगे यहाँ पर हेयर कलर, ओके करेंगे और ये इसने ऑटो सेलेक्ट सेलेक्ट कर दिया। दोस्तों मुझे पिक्सआर्ट की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि ये ऑटो सिलेक्शन करनी पड़ती हो जाती है, यहाँ पर हमने बार बार सिलेक्शन नहीं करनी पड़ती। इसके बाद दोस्तों देखें, देख सकते हैं आप यहाँ पर कि यहाँ पर मैंने ये कलर किया, ये देखें बहुत खूबसूरत कलर आ गया। इसको हम माउंट जो है थोड़ी सी कम कर देंगे और सिचुएशन थोड़ी सी बढ़ा देंगे। यहाँ पर हम कोई भी कलर कर सकते हैं दोस्तों, ये देखें ये देखें, ये कलर मुझे काफी परफेक्ट लग रहा है। तो दोस्तों इसको हम थोड़ा सा माउंट पीछे ले जाएंगे और ओके कर देंगे। ठीक हो गया दोस्तों। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि आपकी जो आईज हैं इसको थोड़ा सा आपने सही डिटेल के साथ शो कराना है। तो यहाँ पर डिटेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसका साइज हमने अपनी आंखों के मुताबिक कर लेना है और इसकी हार्डनेस मुकम्मल 100% कर देनी है। और इसका साइज देखें तो ये देखें ठीक हो गया, इतना ही होता है। तो यहाँ पर हम इसको सिंपली क्लिक कर देंगे, यहाँ ये ओके हो गया। और यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये देखें हमारी जो आईज हैं वो थोड़ी सी निखरी हुई आ गई हैं। देख सकते हैं आप दोस्तों कितना खूबसूरत कलर हो गया है आप। इसके बाद हम इसको ओके कर देंगे, ठीक हो गया दोस्तों। और यहाँ पर इसको हम सेव कर देंगे।